गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। देखो पहले बिफोर क्लास रे हम डिस्कशन कर ले एटॉमिक फिजिक्स, जो थे के हम एटॉम्स एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़तिले। एबे हम डिस्कशन करा पे जाउ छने न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स मींस कोन ना, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूक्लियस। तब न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर आउ तार कोन प्रॉपर्टीज अछि आ तार कोन बिहेवियर अछि से रिलेटेड फिजिक्स को आमे कहछथि न्यूक्लियर फिजिक्स। तार न्यूक्लियर फिजिक्स रे आमे कहले इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ अबाउट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ न्यूक्लियस। ता देखो पहले न्यूक्लियस टा कोन, ऑलरेडी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोर्स मॉडल रे आमे न्यूक्लियस रो डेफिनेशन पढ़ी सारछथि। से कहउछि जे आटम रो ए जो न्यूक्लियस टा एमिट गुटे सेंट्रल कोर पार्ट जोटा टोटली पॉजिटिव चार्ज हेतिबो। ता माने न्यूक्लियस भितरे प्रोटॉन्स आउ न्यूट्रॉन्स रहउछि, प्रोटॉन्स टा पॉजिटिव चार्ज आउ न्यूट्रॉन्स टा होछि को न्यूट्रल चार्ज, जहाँ पर टोटल न्यूक्लियस टा कोन होछि पॉजिटिव चार्ज। आउ गुटे कथा से कह पय चाहउछि, आउ टोटल आटम रो जहाँ मास अछि पाखा पाखी सबु जाक मास से न्यूक्लियस भितरे केंद्रीभूत हेगिन अछि। कहीं ना इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन टा न्यूक्लियस चार डिभल्स किंतु इलेक्ट्रोन मास बहुत कम, ताको आम नेग्लेजिबल बहुत कम बोली कहते। तेणुक न्यूक्लियस कहले कौन से कहे द सेंट्रल कोर पार्ट ऑफ एन एटम व्हिच कंटेन होल ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑलमोस्ट ऑल द मासेस आर कंसंट्रेटेड इन सिंगल रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तमें जो न्यूक्लियस का आफ्टर टोटाली हो पॉजिटिव चार्ज जो थे बहुत प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रोचे आउ टोटल आटम रो जहाँ मास अच्छी पाखापाखी सब जाक मास न्यूक्लियस भितर थे। ताल देख पे आम पढ़िया कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस मीन्स कौन ना, कहा कहा को नहीं न्यूक्लियस टा तैयारी, अर्थात तुम्हें न्यूक्लियस टा भांगे कौन मिल। देख पे गोटे न्यूक्लियस भितर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थाए, ए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोथ आर द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तमाने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को नहीं न्यूक्लियस दे रही छि, पर तुम एमती कहि पारो न्यूक्लियस को भांगिले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स रो मिलिबो। आ ए दीटा को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दीटा को कोन कहा जाय ना प्ले न्यूक्लियॉन्स कहा जाय। कोन कहा जाय प्ले न्यूक्लियॉन्स। त न्यूक्लियॉन्स कहले केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बुझा जाय नाही, न्यूक्लियॉन्स कहले बोथ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। तमाने न्यूक्लियस को जहाँ जहाँ को नहीं न्यूक्लियस तैयार होता है ताको न्यूक्लियॉन्स कहा जाए। तो मैंने बहुत प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। एबे हम सही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रो केते गुडे सम बेसिक आइडिया पढ़िबा। देखो पहले प्रोटॉन्स को के डिस्कवर करथले ना युगेन गोल्डस्टाइन, ई लिखि जी ई स्टैंड्स फॉर युगेन और डिस्कवर करथले युगेन गोल्डस्टाइन डिस्कवर करथले। सेमती न्यूट्रॉन्स को जेम्स चैडविक। आउ गोटे कथा कहले इलेक्ट्रोटॉन्स मास केते ना, प्रोटॉन्स मास रा 1.673 × 10⁻²⁷ केजी आउ न्यूट्रॉन मास 1.675 × 10⁻²⁷ केजी। ये देखो प्लस 673 ए 675 तने पाका पाकी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मास समान अछि, किंतु टिके न्यूट्रॉन मास कोन अछि अधिक अछि। आ जदी मु ताको एएम रे पले कन्वर्ट करबी, एएम रे कन्वर्ट करले केत होबो आउ तमको मु कहि दैतिलि ऑलरेडी एएम यू कोन ना 1 am u is equals to next class हम हमरा कहबी 1 am equals to 1/12 part of carbon 612 जोटा केला केजी रे 1.6602 × 10⁻²⁷ केजी। हम जो कथा कहले जे सोडियम रो मास केते ना, सोडियम रो मास ले 23, तो सोडियम रो मास कहले 11.23 अछि। सोडियम रो मास केते पिलो छ ना 23, सोडियम रो मास अछि 23 कौन है 23 amu। जो तो क्वेश्चन आ सिबो 23 amu एटॉमिक मास यूनिटी नो, सिंपली को था 23 u, u कहले यूनिफाइड यूनिटी। आ जो तो kg रे कन्वर्जन करया पेन जाए हमर ला 1 amu इक्वल्स टू 1.6602 × 10⁻²⁷ kg। आ मु एबे से kg को amu रे कन्वर्जन करछी सेटा ला 1.007825। देखो पहले तो मैं जानी जो जो हाइड्रोजन आटम रे कौन था है, हाइड्रोजन आटम रे एटॉमिक नंबर 1। मु गोटे कथा तो मन पके दो जी एटॉमिक फिजिक्स ऑलरेडी कहि दिले, मन कर एक्स एक्स जेड ए बोली गुटे नॉर्मल एलिमेंट्स तो अछि, ए जेड तो हमर कोन होला, जेड तो होला एटॉमिक नंबर, ये तो होला एटॉमिक नंबर, आ ये तो हमर कोन एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर।
और रदरफोर्ड मॉडल ले कहि जी जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जोटा कि तारा एटॉमिक नंबर से समान हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के केत हो ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स केत हो ना एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अर्थात अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस सो दैट होल आटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ता माने गोटे आटम रो जति कि थिबा एटॉमिक नंबर गोटे आटम रो जति कि थिबा एटॉमिक नंबर सेतिरे सेति कि नंबर रो इलेक्ट्रॉन्स थिबो सेति कि नंबर कोन थिबो ना प्रोटॉन्स थिबो ताहाले मोर एग्जांपल प्ले ने देखो सोडियम रो एग्जांपल ले जी सोडियम रो एटॉमिक नंबर प्ले केते अछि ना तळे लेखा जो एटॉमिक नंबर को ऊपर लेखा जो मास नंबर को तमे एमति पे तेरछा लिख पारिबो नहले किछि बारे एमति सीधा भी लिखु जे एटॉमिक मास को ऊपर एटॉमिक नंबर को तळे अर्थात सोडियम रो एटॉमिक नंबर ला 11 तेल सोडियम एटम रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहबो 11 आ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहबे केते 11 किन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स केते रहबो ना एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ता सोडियम रो 23 माइनस एटॉमिक नंबर 11 केते रहला प्ले 12 रहला कथा बुझेला से भली मु आउ गोटे तुमको एग्जांपल दो जी मु गोटे एग्जांपल प्ले जदि कहबे एल्युमिनियम एल्युमिनियम रो एटॉमिक नंबर 13 एटॉमिक मास नंबर 27 तो जेहेतु रे एटॉमिक नंबर 13 एथिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रो 13 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहबो 13 किंतु नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स केत हेबो ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रो फार्मूला ला एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर ता माने रे 27 माइनस 13 इक्वल्स टू 14 बुझेला पले कथा ये तमर एबे जानि पाले केम तम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करबो सीधा कथा जहाँ तले थी मैं जहाँ एटॉमिक नंबर से संख्या इलेक्ट्रॉन्स थी से संख्या प्रोटॉन्स थी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के थी ना एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर जमीती है 14 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुम गला कौन सम बेसिक आईडिया अबाउट प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कहली आ गए क्या प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज तुम जान 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम आ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम जदि तुम आपको एनर्जी कन्वर्ट कर प्रोटॉन एनर्जी 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन्स एनर्जी 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी मुझे कहीदी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहले के 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा कहले 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने इलेक्ट्रॉन चार्ज के 1.6 × 10⁻¹⁹ जोल तो ना 1.6 × 10⁻¹⁹ तो −13 जोल पता बुझेला क्लियर आउ तुम एटा केमिति बाहर करबो ना मास टा को मु एनर्जी कन्वर्ट करछि बाय यूजिंग आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर आउ या बिसे डिटेल रे मध्ये मु नेक्स्ट क्लास रे कहबे ये क्लास सम बेसिक आईडिया अबाउट द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ तुम केमिति प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करबो मु कहली एबे देखो पहिले आमे एबे किछि नेचुरल ब्यूटी पढ़िबा किछि ब्यूटी आमे पढ़िबा एक्चुअली जे कोन सब फिजिक्स रहछि कोन बिहाइंड अछि आमे किछि सम बेसिक कांसेप्ट पढ़िबा फर्स्ट कांसेप्ट के कहू छी आइसोटोप गोटे पहिले कांसेप्ट कहबि आइसोटोप देखो पहिले आइसोटोप कहले कोन ना आइसोटोप कहले कोन ना एटम्स हैविंग सेम